दिल्ली के कथित शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम राउत एवेन्यू कोर्ट में आज पेश हुई, जहां केजरीवाल ने अपनी दलीलें देते हुए अपनी गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने कोर्ट से सवाल किया कि किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है, क्या एक शख्स का बयान मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है। मुझे किसी अदालत ने दोषी नहीं माना, न ही किसी अदालत में मुकदमा चलाया गया। 25,000 से ज्यादा पेज दाखिल किए गए हैं। मेरा नाम चार जगहों पर आया है। आरोप है कि मनीष सिसोदिया के पूर्व सेक्रेटरी ने मेरे घर पर सिसोदिया को दस्तावेज दिए हैं। मेरे घर सैकड़ों लोग आते हैं। आप मुझे इस आरोप में गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा मामला श्रीनिवास का है, जो ट्रस्ट खोलने के लिए जमीन की बात करने के लिए मेरे घर आया था। हमने कहा आप प्रस्ताव दीजिए, हम LG को देंगे। फिर ED ने श्रीनिवास के घर पर छापा मारा और जब बेटा गिरफ्तार हुआ तो बात खत्म हो गई। जब श्रीनिवास अपना बयान बदलते हैं तो उन्हें जमानत मिल जाती है। ईडी का मकसद सिर्फ हमें फंसाना है। ईडी ने जो 25,000 पन्ने दाखिल किए हैं उनमें केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया गया जो सही नहीं है। शराब घोटाले का पैसा कहाँ है, 100 करोड़ रुपए का आरोप लगाया जा रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना का एक आदेश है जिसमें कहा गया कि ये संदिग्ध है। शरद रेड्डी के 9 में से 8 बयानों में मेरे खिलाफ रिश्वत की बात नहीं है, लेकिन 9वें बयान में जैसे ही वो मेरे खिलाफ बोलता है तो उसे जमानत मिल जाती है। वही कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड 5 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। इसी बीच हाई कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि दिल्ली के CM गिरफ्तार हैं और वो जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को नामंजूर कर दिया। DB लाइव की रिपोर्ट।